साथियों, केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स भी बनाई है जिससे भारत इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हो सके। मैं वैज्ञानिक समुदाय और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अपील करता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीकों को विकसित करें ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देश में कृषि से लेकर परिवहन और हेल्थ केयर से लेकर मौसम विज्ञान तक में किया जा सकता है। इसमें वो ताकत है कि हम विकास और तरक्की के रास्ते पर अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज विकसित हो रही तकनीकों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसके लिए नई तरह की सोच की जरूरत है। क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च इस सोच को और शक्ति दे सकता है, यानी रिसर्च का एक ऐसा वातावरण बने जहां के इंजीनियर्स सेल बायोलॉजिस्ट के साथ काम कर सके, एक केमिस्ट आर्ट से प्रेरणा ले सके, एक फिजिसिस्ट और सोशल साइंटिस्ट एक साथ सोच सके और काम कर सके। अलग अलग डिसिप्लिन और आइडियाज का यह संगम निश्चित रूप से R&D आधारित इनोवेशन का एक नया कल्चर विकसित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस कल्चर को हमारी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयासों में भी बल मिलेगा। हमारी सरकार ने शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हम रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा के संस्थाओं को स्वायत्तता दी जा रही है ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। इसी प्रयास में 21 यूनिवर्सिटीज समेत 60 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है। IIMs को स्वायत्तता देने के पीछे भी सरकार की यही सोच है। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। ऐसे संस्थानों को भी पूरी स्वायत्तता दी जा रही है ताकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अपनी जगह बना सके। ये भी हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम अपने युवा वर्ग की सोच को प्रेरित कर सके, उसमें साइंटिफिक टेंपर विकसित कर सके, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और भविष्य में वही भारत की बागडोर संभालेंगे जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है।